बट दो लोगों के बीच में सहमति नहीं होती है शादी की. इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ मैरिज. दोनों को ये कॉन्सेप्ट है शो का. और फिर हम दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं होते शो में, बट कैसे एक दूसरे को शो में नजर आएगा. सेम इसी कंसेप्ट पे एक दूसरे लोग भी आ रही है, बारिश इस तरह की बारिश का भी लगभग यही है वो बेसिकली कहानी है. चांदनी और अर्जुन जो बहुत ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं. चांदनी एक वही दो लोगों की कहानी है, चांदनी और अर्जुन की, जो बहुत एक बहुत ही रिच फैमिली से है, लड़की और लड़का बड़ा ही लोअर मिडिल क्लास वाला है. सो और कैसे उसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनकी ज़बरदस्ती शादी हो जाती है एंड कैसे उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है और कैसे एक दूसरे को वो झेलते हैं उसके बारे में बहुत है. अगेन मिक्स्ड विद के लिए आप लोग परमिशन कर रहे हैं. यस तो आए थे बट लविंग द वेदर. एक्चुअली सुबह से आए थे तो हम बारिश हमने देखी तो अच्छा वेदर है. शॉर्ट मूवीज थी बाकी एक दो शॉर्ट फिल्में मैंने की हुई हैं बट हां मैं बॉलीवुड में अब तक कोई फिल्म की नहीं. मैं कंटिन्यू देखिए मैं जब मैंने अपनी स्कूल चॉइस रहा है मैंने हर एक चीज़ और जब मुझे लगे मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है इसलिए मैंने थिएटर गया. उसके बाद मुझे लगा आई वांट टू मूव ऑन टू द स्क्रीन स्केल स्क्रीन पे फॉर रीडिंग दैट ट्राई कर. अमेरिकन स्लैंग की तरह साउंड कर रहा है. ब्याव ब्याव प्रियंका और तरुण का तो साफ ये कहना है कि हाफ मैरिज एक जोर जबरदस्ती से कराई गई शादी है जिसे वो कबूल नहीं कर रहे हैं. हालांकि भारतीय संस्कृति में शादी को लेकर एक अलग ही बात कही जाती है. दो अनजान लोग भी यदि मिलकर शादी करते हैं या उनके घर वाले शादी करा देते हैं तो शादी का ये पवित्र बंधन कुछ समय बाद उनके बीच में प्यार के फूल खिला ही देता है. कैमरामैन शिवेन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज़, सिंदौर. ये वाला कुछ